जब से दोस्तों YouTube पे 0 सब्सक्राइबर्स पर कम्युनिटी टैब मिला है, तब से भाई कम्युनिटी पोस्ट करने पे लोग ऐसे डटे पड़े हैं कि आज से पहले कम्युनिटी पोस्ट ही ना देखा हो। पर दोस्तों ये बिल्कुल सही है, आप लोग जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। और दोस्तों यहाँ पर जो पोस्ट करते हो आप लोग, इससे आपके चैनल की रीच बढ़ती है, आप लोगों के चैनल पे सब्सक्राइबर्स आते हैं और आप लोगों के चैनल पे व्यूज भी बढ़ते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपके चैनल के कभी व्यूज हैं वो डाउन हो जाते हैं, तो आप लोग कम्युनिटी में पोस्ट करते हो अपनी वीडियो को। जैसे कि मान लीजिए हम लोग 24 घंटे के लिए अपनी वीडियो को छोड़ देते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारी वीडियो व्यूज नहीं आ रहे तो हम क्या करते हैं उसको उठा के कम्युनिटी में पोस्ट कर देते हैं, ताकि हमारी वीडियो और लोगों तक पहुंचे और कम्युनिटी में जाने के बाद और लोगों के पास जाके हमारी वीडियो के व्यूज हैं वो थोड़े इंक्रीज हो जाएं। और भाई हो भी जाते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में जब हमारी वीडियो पड़ती है तो और लोगों के पास यूट्यूब इंप्रेशन भेजता है, जिससे और लोगों की नजर के सामने वो वीडियो आती है तो उस पर क्लिक करके वो लोग देखते हैं। पर दोस्तों आप लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर कम्युनिटी पोस्ट में हमें पोस्ट किस तरीके से करनी चाहिए, आखिर उसका तरीका क्या है जिससे आपकी कम्युनिटी पोस्ट में ज्यादा से ज्यादा वोट आएंगे और आपके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और आपके चैनल की रीच बढ़ेगी। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी आप लोग अपनी कम्युनिटी में किस तरीके से पोस्ट करोगे, आखिर बिल्कुल जो सही तरीका है कम्युनिटी पोस्ट करने का वो क्या है। आप लोग बहुत बड़ी गलतियां भी करते हो, आप लोगों को नहीं पता होता है कि आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट किस तरीके से करना चाहिए। तो चलिए यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते मोबाइल की स्क्रीन पर। और सबसे पहले तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि किस तरीके से कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग बोट को ला सकते हो। तो यहां से हम YouTube को ओपन कर लेते हैं, YouTube ओपन किया। और गाइस YouTube ओपन करने के बाद यहां से देखो मैं आपको यहां पे चैनल दिखा रही हूं, यहां पे मान लीजिए ये मेरी सिस्टर का चैनल है और यहां पे हम कम्युनिटी पे चलते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी में अगर आप जाएंगे तो देखिए 5 घंटे में यहां पे देखो 753 व्यूज आए हैं, मतलब बोट आए हैं। और यहां पर देखो आप लोग यहां पे देखो जो इससे पहले का है इस पे देखो 1300 बोट है, ठीक है। उससे पहले आप लोग देखो 2000 बोट, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1700 बोट, मतलब आप लोग सोचो जो कम्युनिटी पोस्ट है हमारी ये हमारे और लोगों तक पहुंच रही है, मतलब ये 2000 लोग हैं, 1400 1700 लोग हैं, ये सारे हमारे कम्युनिटी पोस्ट के जरिए हमारे चैनल से लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। और जैसे जैसे आप अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट करोगे तो आपके चैनल से भी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मैं और नीचे आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे 1100 बोट आपको नजर आएंगे, यहाँ पे 1700 बोट नजर आएंगे, यहाँ पर 1900 वोट नजर आएंगे। तो आप लोगों किस तरीके से आपको कम्युनिटी पोस्ट करवाना है, कम्युनिटी में वोट करवाना है और किस तरीके से आपको कम्युनिटी में पोस्ट करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग सिंपली अपना फोटो डाल देते हो या आप लोग अपनी वीडियो को डाल देते हो, इससे आपकी कम्युनिटी की रीच नहीं बढ़ेगी, ये आप लोग को याद रखना है। आपको अगर अपने चैनल की रीच बढ़ानी है तो भाई देखो उस पर क्या करना है, आपको इमेजेस वाला जो पोल होता है आपको वो करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, ऑडियंस की जो मतलब आप लोग मानो कि ऑडियंस का जिस चीज में इंटरेस्ट होता है, मान लीजिए आपने क्या किया फोटो लगा दिया, आपका लाइक करके कमेंट करके छोड़ देंगे, ठीक है। उन्हें इतना इंटरेस्ट इस चीज में नहीं आता है लाइक करने में। पर दोस्तों वहीं पे अगर आप उनसे कुछ ऐसा यूनिक सा क्वेश्चन पूछ लेते हो जिसमें वो लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत ईजी है, हम इसका जवाब पोल के जरिए दे सकते हैं, वहां पे आप लोग 4-6 इमेज लगा के और उन लोगों से पोल करा सकते हो, तो यहाँ पर उनका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, वो आपके वीडियो में भी इंटरेस्ट लेते हैं जो आपने पोल किया और उसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो इससे वो आपके चैनल से धीरे धीरे कनेक्ट होते चले जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको कम्युनिटी में जो पोस्ट है, जो पोल है इमेजेस वाला, वो किस तरीके से करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को वो किस तरीके से करोगे जिससे आपकी वीडियो पे जो आपकी कम्युनिटी पोस्ट होती है उसके जरिए आपकी वीडियो पर भी व्यूज आएंगे और आपकी कम्युनिटी पोस्ट भी वायरल होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट होता है वो दोस्तों हम तीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक होता है ये सादा इमेज वाला, आप यहाँ से कोई भी फोटो लिख के यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट करोगे तो यहाँ से आपका फोटो है, आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख के जैसे मान लीजिए मेरा नाम है सरिता तो यहाँ से हमने लिख दिया और इस तरीके से डन करके हम यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हो, ये नहीं कि आपका नाम ही लिखना है आपको, उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आप ऊपर यहाँ पे कुछ लिख दो और यहाँ से आप कुछ और इमेजेस सेलेक्ट करके आप यहाँ से XYZ कुछ भी सकते हो, ठीक है। जो भी आप चाहो तो आप वो चीजें यहां से लिख सकते और यहां से इस फोटो को डायरेक्ट यहां से पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां पे देखो अब ये हो गया हमारा फर्स्ट तरीका, ठीक है। फर्स्ट तरीका ये हो गया कम्युनिटी पोस्ट करने का। अब देखिए दो तरीके और हैं, ठीक है। यहां पे आप जाओगे जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहां पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट वाले में क्या होता है, आप लोग यहां पे कोई भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हो और यहां पे ऑप्शन दे सकते हो, इस तरीके से आप और ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से और ऑप्शन ऐड कर सकते हो, जैसे यहां से कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत की राजधानी कौन सी है तो यहाँ से लिख सकते हो दिल्ली, मुंबई, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे वो आंसर दे दो और उनमें से एक सही आंसर होगा। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट वाला कम्युनिटी, ठीक है। तो इस वाले को मैंने बता दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखो इमेजेस वाला पोल। अब यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन दे दो, यहाँ पे आप उनकी इमेजेस भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने शेर की लगा दी,
यहाँ पे मान लो हमने ये जिराफ लगा दिया और ऐड अनदर ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे हमने हाथी का लगा दिया और इसके बाद हमने लगा दिया ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनके नाम लिख देने हैं, ठीक है, और ऊपर आपको लिख देना कि सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखो और यहाँ से इनको पोस्ट कर दो अच्छे से, ठीक है। आपको ये वाला पोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रीच आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन पर क्लिक करेंगे। आपको वायरल कराने के लिए सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ता है, क्लिक कराने पड़ते हैं। क्लिक कराओगे सबसे ज़्यादा उतने ही आपके वोट आएंगे, वोट आएंगे तो आपके चैनल की रीच बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको और इमेजेस ऐड करनी है तो नहीं कर सकते हो, केवल 4 इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा कि आप लोगों का पूरा प्रोसेस मैंने सही से बता दिया कि आप लोग किस तरीके से अपने कम्युनिटी में पोस्ट करोगे जिससे आपकी पोस्ट 100% वायरल होने के चांस रहेंगे। और आप लोग एक बार इसी तरीके से करो। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, आप लोग दिन में 2 बार कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उस तरीके से आप करो। और अपनी वीडियो का लिंक आप लोग ऊपर की साइड जो आप लोग टाइटल देते हो उसी के अंदर आप लोग अपनी वीडियो का लिंक भी लगा सकते हो, जिससे अगर जो लोग आपकी वीडियो पर वोट करेंगे, जो लोग आपके पोल पर वोट करेंगे, वो लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करके आपकी वीडियो को भी वॉच कर पाएंगे। तो यही था पूरा प्रोसेस। आप लोग अच्छे से इस पे पोल करो और ज्यादा से ज्यादा पोल करोगे तो आपके चैनल की रीच ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, आप अपनी वीडियो पे व्यूज भी इंक्रीज कर पाओगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।